एक मिनट, उस दिन तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज कह रहा हूं, और वो भी पूरे हक से। मेरी होने वाली बीवी से दूर रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू यहां मेहमान है। ओए सिविलियन, तमीज में रह। हम सरदार अपने पे आ गए ना, तू भूल जाएगा कि कौन है। ऐ मत समझना कि साडा दिलप्रीत कल्ला है। सरदार तो एक ही सवा लख के बराबर हुंदा है, पर हम तो पांच पांच हैं। पांच? भाई पर खरोच भी आए तो या तू नहीं या हम नहीं। क्या हुआ? गौरी ने वापस आने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मुझे माफी नहीं किया। वो ये चाहती है कि हम और कोई तमाशा नहीं करें। I think we should go। पागल हो गया। उसने बोला यहां से चले जाओ तो तू चला जाएगा यहां से। आज तक मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अब ये आखिरी चीज मांग रही है, ये मैं उसे दूंगा। ओम, ओ, वो मेरी बात। मुझे भाई कोई फायदा नहीं, खो चुका हूं मैं उसे। नहीं है ऐसा। कौरी की आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा, मैंने देखा है। तुमने देखा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है। समझने की कोशिश कर। जरूर कोई दबाव में आकर उसने ऐसा स्टेप लिया है। और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और जितना मैं गौरी को जानती हूं ना, वो तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से उसने जाने से हमारे साथ मना कर दिया। हमें भी यही लगता है, और हमारे ख्याल से वो वजह पता किए बिना हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से तो इश्क पास बना है, इतनी आसानी से इश्क हार जाएगा। Come on, हम ओबरॉयज एंड ओबरॉयज नेवर क्विट। और हम यहाँ दुल्हन लेने आए हैं। और हम दुल्हन यहाँ को लेकर ही जाएंगे। One for all, all for one. विग है ना, ये बार बार निकलती जाती है। ये क्या है, तो दिख ही नहीं रहा है कुछ इससे। कैसी विग थी ये लप्पू जी ने, इसके अपने ही बाल निकल रहे हैं। ये तो मेरा ही बाल है, वो भी सफेद। जवानी के दिनों में जितनी मर्जी उछल कूद करो, लेकिन इस उम्र में ना थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आखिर अभी हम जवान तो नहीं है ना।
और देखा इंसान बुढ़ापे में संभल के ना चले तो ऐसे ही लड़खड़ा जाता है। एक तो ना दोनों आंटियों ने ना मेरे दिल में ना ऐसा डर बैठा दिया है। अरे अनिका ऐसा थोड़ी ना होता है, उमर का प्यार से क्या लेना देना, कुछ भी सोचती है तू अनिका। पर अगर ऐसा हो गया तो आज एक बार सफेद आया कल और आएंगे, सब मुझे अम्मा जी कह के बुलाएंगे। शिवाय को तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। क्या हो रहा है जी? हाँ सब चंगा? क्या बताऊँ मैं आपको, जब से वो बुढ़िया की एक्टिंग, बुढ़िया नहीं सीनियर सिटीजन साउंड्स पे रहा। देखिए कुछ भी बुला ले, करीना कपूर बुला लो, श्रीदेवी बुला लो, लेकिन एक एक बुढ़िया तो बुढ़िया ही लगेगी ना, और हमेशा वो ही रहेगी। अनिका व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मतलब क्या क्या लगा के रखा? मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा होता है इस उम्र में, लोग सठिया जाते हैं थोड़े। आप ना समझेंगे नहीं, आप मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, जाइए। ओ जी ओ, इतना गुस्सा सुस्ता छोड़ो, क्यों कर रही हो? जैसे आपको बड़ा फर्क पड़ रहा है, जब से आप यहाँ आए हैं ना, आपको फुर्सत कहाँ है? वो तितली आप क्या इर्द गिर्द जो घूमती रहती हैं, आपको यो 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 करती रहती हैं, और जब से मेरे बाल क्या सफेद हो गए हैं, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि एक बार तुम्हारी तरफ देख लिया मैंने, उसके बाद मैं कुछ और नहीं देख पाऊंगा, कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हो तुम्हें आने का? अरे सीता कहाँ है तू? आप यहाँ? मुझे मैं देख रहा था, कितने जाले शाले हो गए, शादी का घर है, नॉट कूल। क्या पागलपन है? फिर की ये हथियार धोखा दे सकते हैं, पर ये फौलादी हाथ, ये हाथ कभी धोखा नहीं देते। फिर मैंने बंदूक फेंक दी और इन फौलादी हाथों से उन टेरेश को दबोच लिया है, और फिर जो मैंने उनकी पिटाई की, चारों खाने चित। वाओ। और नहीं तो क्या, वाओ तो हो गई, ये मसल मैंने कोई शो ऑफ के लिए थोड़ी बनाए। आपकी मसल्स तो सच में बहुत स्ट्रांग है। वो तो देश के प्रति मेरा प्यार समझ जाता, वरना मिस्टर इंडिया तो मैं कब का बन गया होता यार। That's nice. Thanks. मुझे ना आर्मी ऑफिसर्स बहुत पसंद है, उनकी आर्मी यूनिफॉर्म, टर्बन और ये गन, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। क्या तुम्हें पता है ये बंदूक कितनी भारी है? इसको उठाना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल इसको चलाना है। पता है, हमें भी चला के दिखाइए ना। अच्छा कोई नहीं, ये मेरे दाएं नहीं बाएं हाथ का खेल। गन पकड़नी तो आती नहीं है, बड़े आए गन चलाएंगे। ओफो तुसी भी ना भूल जानते हो, फिटे मुंह तुहाडा, गन नो क्यों लोड कर दे और ये ट्रिगर कर दे। ये तो मैं एक्टिंग स्किल सिखा रहा था। हेलो, अरे अरे रुकिए तो, अरे एक मिनट सुनिए तो, अरे अरे कहाँ जा रही है? ओ जी तुसी भी आ जाओ, जाले चले देखो। ये दोनों आंटियां ना मेरे पीछे ना हाथ
धोखे पड़ी हुई है। अगर एक और दिन मैं इनके साथ रही ना तो मैं तो मन से पक्का बुढ़ी होने वाली हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अभी से। जादू के हम लोग कहाँ कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे यही तो रखी थी मेरी दवाइयाँ, चली गई। आप यहाँ पे? बहन जी थोड़ा आराम करना आई सी। वो क्या हो गया? कमर लचक गई। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस उम्र में ज्यादा नाच गाना अच्छा नहीं है। लचक गई ना कमर, अब तो आपको दवाई लगानी पड़ेगी लचक वाली। बिल्कुल। दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। हो जाना, हो जाना, खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। शकल दिखाइए, गर्मी लग रही है। बॉस। रमा। भैंस की आँख, भैंस की आँख। पर्ची आ गई, पर्ची आ गई। बेनाम सब पागल है, सब पागल। चुप रहिए अब जाइए। रमा। क्या? अरे इसको क्या हो गया? रमा। उठ। रमा। क्या हो गया तेरे को? रमा। उठ। उठ। क्या हो गया? क्या हो गया? कोई नहीं पहनची, शादी का माहौल है, थोड़ी बच्ची ने मार लियो। कोई ना चिंता मत करो। रुको, बेशक हम यहाँ पे नाटक कर रहे हैं पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी ड्यूटी भूलो। तुम अब पुलिस ऑफिसर नहीं हो, मेरी एम्प्लॉय हो, इसलिए ज्ञान बांटना बंद कर दो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तो हमने आपको सबके सामने एम्बैरेस होने से बचाया है। तुमने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया है। मजाक ना आप अपना खुद उड़वाते हैं। क्या जरूरत है इतनी ओवर एक्टिंग करने की? और क्यों इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं आप? मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूं। तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए किसी ने नहीं बोला है, ठीक है? मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी थी जो तुम बीच में ही। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आप इतना इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि आप उन लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन नहीं जमा पाए? अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो लड़कियां मुझ पर मर रही थी, इसलिए तुम टांग अड़ाने के लिए बीच में आ गई। एक्सक्यूज मी, आप हमेशा इतनी स्टूपिड लड़कियों के बीच में कैसे रह सकते? बोर नहीं होते क्या आप? नहीं होता, क्योंकि वो लड़कियां सिर्फ स्टूपिड है, मीन नहीं है। और उन इंटेलिजेंट लड़कियों से बहुत अच्छी हैं जो अपने फायदे के लिए किसी और को बेवकूफ बनाए। अब हमें ताना दे रहे हैं? तुम्हें जो समझना है समझो। हमने कब आपको बेवकूफ बनाया? हम उस बारे में बात नहीं करें तो ठीक होगा बच्चा।
हम यहाँ पे वो और गौरी भाभी के लिए आए, इसलिए मैं यहाँ पे कितनी भी स्टूपिडिटीज करूँ तुम ये कभी नहीं भूलोगे कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारा बॉस। और हाँ एक और बात, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना होगा। भव्या मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने मेरे साथ क्या किया, कभी नहीं। आप जानबूझ के मुझमें फॉल्ट्स निकाल रही हैं क्योंकि आपको पता है मैं परफेक्ट हूं। नहीं नहीं एक मिनट, आपसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इतनी हॉट एंड हैपनिंग चीज आपको मिली है। वैसे भी इतनी उम्र में आपको इतनी हॉट एंड हैपनिंग चीज कैसे मिलेगी? शुरू हो गया इन पकाओ आंटियों का। आओ बहन बुढ़िया बने। लेने आए हमारे कमरे में। चलिए हमारे साथ कमरे में सोई भव्या भी वही है। कराटू में नींद कैसे आई? आंटी मुझे दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं आपसे कैसे काम करवा सकती हूँ? अरे हमारे होते हुए आप क्यों करेंगे? आए, आए। लेकिन आप कैसे काम कर सकते हैं? आप तो गौरी की जेठी हैं। सोचा भी नहीं था कि कभी ये दिन देखना पड़ेगा। बिटिया के ससुराल वाले पहली बार हमारे घर आए और ठीक से उनका स्वागत भी नहीं कर पाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी। यार मैं समझ सकता हूँ कि हमारी जो मजबूरी है भाई आपकी भी, पर समझ नहीं आ रहा कि गौरी की ऐसी क्या मजबूरी है जो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। ओंकारा जैसे जीवन साथी और आप लोग जैसे ससुराल वाले तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, फिर क्यों वो अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट रही है? आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए ना, सब कुछ ठीक करके ही जाएंगे। बेटा जी हम भी यही चाहते हैं कि गौरी अब आप लोगों के साथ ससुराल चली जाए। मैं मदद कर देता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।